क्या स्त्री के ऊपर इस प्रकार से देव ऋण या पितृ ऋण या ऋषि ऋण नहीं है क्या? क्या उनको पालन नहीं करना चाहिए? लेकिन इसको फिर जोड़ दिया जाता है कि मैं तो अशुद्ध होती हैं। अरे तो प्रति महीने चेंज कर लो, उसमें क्या है? हम प्रतिदिन 2 बार तो कपड़े चेंज करते हैं, तो महीने में 1 बार हम यज्ञोपवीत अपना चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। आज सनातन धर्म के मंदिरों में, सनातन धर्म के संस्थानों में, सनातन धर्म के कार्यक्रमों में सब जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी होती है, सब जगह रविदास जी की फोटो लगी होती है, लेकिन उनके किसी कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो नहीं लगी होती, उनके किसी कार्यक्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की फोटो नहीं है, स्वामी दयानंद तो छोड़ दीजिए, विवेकानंद जी की भी फोटो नहीं है। तो भेद कौन कर रहा है? कोई भी आए, कोई भी लालच दे, अगर मैं लालच में धर्म परिवर्तन कर लेती हूं तो मेरे पूर्वजों ने तो चोटी नहीं कटवाई, जनेऊ गले से उतारा नहीं, 12 साल के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया गया। आपने सुना होगा बाल हकीकत राय का, उसने कहा खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। सनातन हाट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हिंदू नववर्ष आता है, नवरात्रियां आती हैं, तो हम विशेष छूट वहां पर प्रदान करते हैं। अब की बार भी हमने 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह पर हमने विशेष और अतिरिक्त छूट प्रदान की है। यदि आप कुछ और पुस्तकें लेकर के ऑर्डर को बड़ा बनाते हैं 500 रुपये तक, तो एक कूपन कोड डालेंगे तो वहां पर आपको डिलीवरी भी फ्री मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने राम मंदिर मॉडल पर भी विशेष और भारी छूट प्रदान की है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी आज ब्रह्मचारी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एक बार सुखासन में बैठ जाएंगे, आलती पालती जिसको कहते हैं, और ओम का उच्चारण करेंगे हम एक बार आंखें बंद करके, और ज्ञान मुद्रा में अपनी हाथों की मुद्रा ऐसे कर लेंगे। ओ जब मेरा खुद का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था 11 साल की उम्र में, तो मेरे पिताजी ने मुझे गंगा जी में खड़ा कर दिया अक्टूबर के महीने में। तो हमें क्या करना होता था कि यहाँ तक गंगा जी में डूबना होता था और रोज़ाना मंत्र जपने होते थे। तो उसमें 33,000 बार गायत्री मंत्र और 11,000 बार महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो ऐसा कई हफ्तों तक पूरा वो चला, और उसी टाइम कहा गया कि भाई आप जब तक यज्ञोपवीत संस्कार, मतलब जब तक यज्ञोपवीत तप रखोगे अपने पास, तो आपने गायत्री जाप अवश्य करना है। तो वो एक एज होती है जब आपको ये चीज़ें समझानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करना कोई ऐसा नहीं कि बस ले लिया, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 प्रकार के ऋण है ना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और ये ऋण से हम इस पूरी जिंदगी, उऋण तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन यह केवल उनको याद दिलाने के लिए था। कई सारी ऐसी कथाएं भी आती हैं कि जब मुगलों ने यज्ञोपवीत गले में जनेऊ देख करके गर्दनें उतारनी शुरू कर दी, तो पुरुषों ने अपनी स्त्रियों की रक्षाओं के लिए, क्योंकि पहले 3 धागे स्त्री और 3 धागे पुरुष दोनों ही पहनते थे, तो पुरुषों ने अपनी स्त्रियों के गले से भी यज्ञोपवीत लेकर के अपने गले में पहनने शुरू कर दिए थे, जो कि अभी भी पौराणिक पद्धतियों में आप देखते होंगे 6 धागे अभी भी पहनते हैं। ये हम ही करते हैं कि 3 धागे स्त्री पहनेगी, 3 धागे पुरुष पहनेगा, नहीं तो अगर आप देखोगे तो पूरे बाकी का जो भी संसार है, जीवन, उसमें क्या होगा कि शादी वाले दिन यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसमें 6 धागे पहनाए जाते हैं, जबकि हम ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या स्त्री के ऊपर इस प्रकार से देव ऋण या पितृ ऋण या ऋषि ऋण नहीं है क्या? क्या उनको पालन नहीं करना चाहिए?
लेकिन इसको फिर जोड़ दिया जाता है कि मैं तो अशुद्ध होती हैं। अरे तो प्रति महीने चेंज कर लो, उसमें क्या है, हम प्रतिदिन दो बार तो कपड़े चेंज करते हैं, तो महीने में एक बार हम यज्ञोपवीत अपना चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये एक मेंटेलिटी अब्राहमिक रिलीजन की है कि स्त्रियों के अंदर आत्मा ही नहीं है, स्त्रियां तो किसी भी प्रकार से जो उनका जीवन जीने के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित रखना चाहिए, न उनको पैर की जूती बनाकर रखना चाहिए तो उनके पैर के नीचे से निकल जाएंगी। दूसरा कि इसी को जब यज्ञोपवीत हम ग्रहण करते हैं ना, तो उसी के बाद हमें द्विज कहा जाता है, यानी कि हमारा दूसरा जन्म। पहले जन्म में तो हम सभी के सभी शुद्र ही होते हैं, उसके बाद ही हम द्विज बनते हैं। पर्यायवाची में द्विज को ब्राह्मण भी कहा गया है, और इसका अर्थ यह हुआ कि आज से हम अब आगे ब्राह्मण कोटि को ग्रहण करने के लिए अग्रसरित होते हैं। यज्ञोपवीत एक इस प्रकार का भी प्रतीक है कि यज्ञ करने के लिए अब हम यहां से अधिकारी हो गए। तो बहुत सारी इसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अभी मैं किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए होता है कि यज्ञोपवीत जब हम पहनते हैं तो जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो उसको कान के ऊपर लपेट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वो एक नस है, उस पर दबाव पड़ता है, उससे पथरी नहीं होती है। तो वो तो रिसर्च के विषय हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या पथरी से बचने का अधिकार केवल और केवल जन्मना ब्राह्मणों को ही है? बाकी की जो 35 बिरादरियां हैं उनको पथरी हो जाए, वह मर जाए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? तो यज्ञोपवीत के लिए भी ऐसे ऐसे नियम बनाए गए कि जो जन्मना ब्राह्मण है केवल वो ही ग्रहण कर सकता है। जन्मना ब्राह्मण भी, अब देखो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। क्या कोई व्यक्ति यदि जन्म से ब्राह्मण हो गया, दूसरा जन्म से ब्राह्मण व्यक्ति उसको अपनी लड़की दे देगा क्या शादी के लिए? नहीं देता है। वो कैटेगरीज हो चुके हैं वहां। वहां कैटेगरीज किस तरीके की हैं? पैसे की। वहां क्या किस तरीके की हैं? पैसे की। लड़का कितना कमाता है जी, कि क्या इसके घर पे जमीन कितनी है, परिवार में सदस्य कितने हैं। यदि केवल कास्ट ही, जातियां ही हमारे कैटेगराइजेशन होता या किसी चीज का प्रमाण होता ना, तो हम ये नहीं पूछते फिर। तो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है हमारे असेट्स, कि हमारे पास में कितना सामर्थ्य है, हमारे पास में कितना धन है। और संपदा में, धन में क्या आता है? बुद्धि। भगवान को क्यों कहा जाता है? भग अर्थात ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान। तो भगवान श्री राम को भगवान क्यों कहा गया? उनके पास ऐश्वर्य था। तो वह ऐश्वर्य केवल यह नहीं कि उनके पास में बहुत धन था, अशर्फियां थी, सोने के सिक्के थे, नहीं, उस ऐश्वर्य में बुद्धि भी आती है, शारीरिक सुंदरता भी आती है, और मन भी आता है कि मन कितना उसका पवित्र है। ऐश्वर्य में यह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका कितने महल हो गए, तो उसमें तो बुद्धि भी है। तो अगर आप ब्राह्मण हो और दूसरा ब्राह्मण है, तो आप उसको अपनी बेटी या बहन इसलिए दे दोगे क्योंकि वो ब्राह्मण है? नहीं। उसमें दिमाग भी है या नहीं? उसके पास अगर पैसा भी होगा तो भी ये देखा जाएगा उसके पास में बुद्धि भी है नहीं। कहते नहीं, कमा तो गधा भी लेता है लेकिन खर्च करना नहीं आता उसको, वो आता है इंसान को ही है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं, या तो ये मान लो कि गुलामी काल, जिस तरीके से भी बहन जी कह रही थी कि भाई संत रविदास जी के समय में, उस समय जब सिकंदर लोदी यहां आया तो जातिवाद उस समय पर बहुत बढ़ा, लेकिन उसको फिर घसीटा भी गया, फिर उसको जन्मना भी बनाया गया। और इसी एक जो कहते हैं ना कि एक जो बैरिकेड लगाया हुआ था उसको तोड़ने का कार्य किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऐश्वर्य हैं, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे सामर्थ्य हैं, वो किसी एक जन्म से या जाति से आने के बाद में डिसाइड नहीं होते हैं, वो हमारे पूर्व के जन्मों से डिसाइड होते हैं कि हमने पूर्व के जन्मों में क्या संस्कार प्राप्त किए हैं। तो वो अगर हम उस चीज पर जाएंगे तो हमारे जो जातिगत बैरिकेड्स हैं ये सब हट जाते हैं। आज 14 अप्रैल है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म भी है, जन्मदिन भी है, और उन्होंने हजारों की तादाद में बौद्ध मत स्वीकार किया था अपने अनुयायियों के साथ में। और मैं ये मानता हूं कि इसी दिन पे हमारे काफी सारे भाई बंधुओं ने अगर यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करके अपनी सनातनी परंपरा को स्वीकार किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि अक्सर कर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि तुम्हें तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तो यज्ञोपवीत नहीं पहनने दिया जाएगा, जबकि यह असली बात नहीं है। वेद में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो जन्म से जातिगत ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा या बनिया होगा केवल उसी को मिल सकता है। नहीं, जो भी अपने धर्म के प्रति जागरूक है, जो यज्ञ करना चाहता है, जो भी व्यक्ति इसका सामर्थ्य रखता है अपने पास, वो ग्रहण करे। ये मैं मानता हूं कि इसके नियम हैं और उन नियमों का पालन करना बिल्कुल आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, वो जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपके गले में यज्ञोपवीत भी दिख रहा है और आप कहीं खड़े होकर चोरी चकारी भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे या पाप कर्म कर रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी है। तो जो कहते हैं कि क्या ब्राह्मणों को ही ये सब अधिकार हैं, उनका जीवन क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर तपस्या से गुजरता है इसलिए लिया जाता है। आप लोग भी यदि सामर्थ्यवान हैं और उसको कर सकते हैं तो आप करो, आपको किसी की कहीं पे भी कोई भी रोक टोक नहीं है। और आगामी भविष्य में भी इस तरीके के और आयोजन हो, मैं तो पुरोहित जी को कह रहा था कि मैं तो चाहता हूं कि यहां बैठने की जगह ना मिले, इतने बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए। और इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि केवल इस धागे की आड़ में बहुत बड़ा समाज है जो हमारे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और वो भी केवल अपना राजनैतिक लाभ लेने के लिए। तो हमें उन प्रपंचों में नहीं आना है, तो हम सबको एक साथ खड़े होना है, अपने धर्म अपने सनातन की रक्षा के लिए खड़े होना है, संकल्पित होना है और अपने जीवन को पवित्र तो बनाना ही बनाना है। तो यह जो यज्ञोपवीत है, यह आपके माता पिता, आपके गुरु और ईश्वर, इनका जो हमारे ऊपर ऋण है, यह आपको उसका प्रतिपल आभास कराएगा, याद दिलाएगा। ऐसा ना हो कल कि आपके गले में यज्ञोपवीत है और माता पिता से ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो, ठीक है, गुरुओं की अवहेलना कर रहे हो और ईश्वर के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जीवन में पवित्रता अवश्य होनी चाहिए। जीवन कठोरतम है इसको धारण करने के लिए, लेकिन आज के युग में बहुत सारी चीजें सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमने भी बड़े कष्टी में सहन किया था, लेकिन अब जीवन बहुत आराम से चल रहा है, वो शुरू शुरू में लगता है, ठीक है। तो अगर इसके विषय में किसी को कहीं पर कोई संकोच हो, कहीं पर किसी को लगता हो कि भाई मैं बंद तो नहीं जाऊंगा, मुझे बाद में कोई समस्या तो नहीं आएगी, समाज की ओर से कोई बहिष्कार तो नहीं हो जाएगा, तो वो आज ही हमारे हमसे क्वेरी कर लें। और दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाह रहा था कि हम और मोहित जी बैठे हुए थे तो हमारे सामने दो ही ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, तो बाकी ये ना समझें कि हमने उनको स्पर्श नहीं किया या उनको हृदय से अंगीकार नहीं किया, ठीक है। आपके किसी के भी दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल हो तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनका समाधान हम करेंगे, ठीक है। वो केवल एक सांकेतिक रूप से हम बैठे हुए थे, बाकी सब लोग ये मान लें कि अंकुर आर्य यहां बैठा हुआ है, कहीं भी होगा तो आप जितनी भी क्वेरीज होंगी मेरे से डायरेक्ट कर सकते हो, मैं अपने संपर्क सूत्र भी दे दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं आज इस आर्य समाज मुल्तान नगर में ये जो एक पुनीत कार्य यहाँ के सभी हमारे ब्रह्मचारी और विशेष रूप से जो यहाँ के हमारे आचार्य जी हैं और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधान जी, मैं उनका एक हृदय की गहराई से सबसे पहले तो धन्यवाद आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि यदि उनके मन में ये परिकल्पना ना आती तो शायद ये कार्यक्रम मूर्त रूप ना ले पाता। तो एक बार हमारे प्रधान जी के लिए और यहाँ के आचार्य जी के लिए, यहाँ के ब्रह्मचारियों के लिए एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि कुछ दिन पहले जब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो भाई अमित जी यहाँ पर आए थे, भाई अंकुर जी और हमारे तमाम आदरणीय बहन जी और आदरणीय आचार्य जी, डॉक्टर साहब, मीनाक्षी जी, सब लोग यहाँ पर उस समय उपस्थित थे। और उस समय एक इनिशिएटिव लिया गया कि भाई अमित जी को यज्ञोपवीत संस्कार करना है। उन्होंने अपना यज्ञोपवीत संस्कार किया, बाद में उन्होंने कुछ अलग अलग कार्यक्रम भी अपने क्षेत्रों में आयोजित किए अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए।
और उसके बाद उनके मन में एक विचार आया कि ये जो संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार मेरा हुआ है, ये मुझ तक नहीं सीमित रहना चाहिए, ये मेरे समाज के जो और भाई हैं और बंधु हैं उन तक भी जाना चाहिए। इस विचार को जब उन्होंने प्रधान जी के सामने रखा तो प्रधान जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, और यदि वो चाहते तो उस बात को टाल भी सकते थे, उसको आगे भी बढ़ा सकते थे, परंतु क्योंकि उनका युवाओं के प्रति एक विशेष स्नेह रहता है, वो चाहते हैं कि देश का नौजवान, आर्य समाज का नौजवान, वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ नौजवान आगे बढ़े, इसलिए वो युवाओं के द्वारा दिए गए एक एक सुझाव को गंभीरता से न सिर्फ लेते हैं, उसको क्रियान्वित भी करते हैं, उसको धरातल पर भी उतारते हैं। और इसीलिए कितना अद्भुत दिन उन्होंने चुना ताकि समाज में एक अलग से संदेश जाए, एजेंडे की जैसे आप बात कर रहे थे, एक समाज में एजेंडा चल रहा है कि जितने भीम राव अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं या जितने हमारे शूद्र भाई हैं या जिनको आज हम दलित भाई कहकर के संबोधित करते हैं, उनको हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, उनको हमारे सनातन धर्म में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको सनातन धर्म में धार्मिक कार्यों में यज्ञ आदि में बैठने का अधिकार नहीं है, उनको ब्राह्मण आदि के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों का अंग बनने का अधिकार नहीं है। इस तरीके के एजेंडे चलाए जाते हैं, इस एजेंडे को तोड़ा जा सके इसीलिए प्रधान जी ने भीमराव अंबेडकर जी की ही जयंती को चुना, क्योंकि भीमराव अंबेडकर वादी जो लोग हैं, तथा कथित भीमराव वादी जो वास्तविक रूप में भीमराव अंबेडकर को जानते नहीं है, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं है, ऐसे लोगों की विचारधारा का जो एक मिसकॉन्सेप्शन उनके दिमाग में है, जो एक भ्रांतियां हैं, जो भ्रामक प्रचार समाज में हो रहा है, इस भ्रांति को तोड़ा जा सके इसीलिए आज इस दिवस को चुना, ताकि समाज में एक व्यापक स्तर पर संदेश जाए कि सनातन धर्म के चारों अंग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अलग नहीं है, ये जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं वैसे ही हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी अत्याचार किया अपनी मूर्खता के कारण, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के कारण, वो एक अलग विषय है, परंतु उस अत्याचार को, उस मिथक को, उस प्रभुत्व को जो झूठा प्रभुत्व समाज में लोग बना रहे थे, उसको तोड़ने के लिए ऋषि दयानंद ने सबसे पहले उद्घोष किया सत्यार्थ प्रकाश में। हमारे समाज में डॉक्टर साहब ने कहा स्वाध्याय की जरूरत क्यों है, एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा देखो तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारी श्रुतियों में, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारी संस्कृति में लिखा हुआ है स्त्री शूद्रो न धीयताम, इसका क्या मतलब होता है। उसने आकर के हमको बरगला दिया, बोला कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यदि शूद्र वेद के मंत्र को पढ़ ले तो उसके कान में शीशा पिंगला करके डाल दो, उसके कान में तेल डाल दो, अगर वो वेद के पृष्ठों को छूले, वेद को छूले तो उसके हाथ काट दो, यदि वो वेद के मंत्रों को अपनी आंखों से देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो, और उसका प्रमाण देने के लिए उसने एक झूठे श्रुति का प्रचार किया स्त्री शूद्रो न धीयताम। लेकिन जब हमको हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम पुस्तकों में नहीं घुसेंगे, जब हम रेफरेंस नहीं खोजेंगे, जब हम संदर्भ और प्रसंग को नहीं खोजेंगे कि ये स्त्री शूद्रो न धीयताम आखिर है कहां, ये आया कहां है, तो हम उसकी बात में आ जाएंगे, हम धोखे में पड़ जाएंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम बता पाएंगे कि हमारे वेद में मंत्र आया है जहां पर परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च, परमात्मा कह रहे हैं मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें शूद्र भी है, उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें वैश्य भी हैं, और उसमें महिलाएं भी हैं, स्त्रियां भी हैं, किसी को वंचित नहीं रखा। इसी प्रकार यज्ञोपवीत जरूरी है प्रत्येक मानव के लिए, क्योंकि प्रत्येक मानव के ऊपर एक ऋण है, और ये संदेश हमको सबको देना है। और यज्ञोपवीत करने के बाद यदि कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, लिख लेगा, तो वो ऊपर हो जाएगा, और यज्ञोपवीत लेने के बाद भी नहीं, उसको यज्ञोपवीत तो एक क्राइटेरिया है, ये तो सबके लिए है, इसके बाद आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है यज्ञोपवीत लेने के बाद, यदि वो स्वाध्याय कर ले, यदि वो अध्ययन कर ले, यदि वो पठन पाठन कर ले, और शूद्र भी क्षत्रिय बन सकता है यदि वो सेना में जाकर के देश की सरहद पर खड़ा हो जाए, शूद्र भी वैश्य बन सकता है यदि वो व्यापार करने लगे,
और ब्राह्मण भी यदि यज्ञोपवीत लेने के बाद नहीं पड़ेगा तो वो भी शूद्र बन सकता है। शूद्र लेकिन कोई अछूत नहीं है, अछूत नहीं है, वो जाति भी नहीं है, वो एक वर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, ये तो गुण कर्म और स्वभाव की बात है, अछूत नहीं है। और ये सवर्ण और दलित को जो विभाजित किया, खुद महर्षि मनु कह रहे हैं कि सवर्ण सारे चारों के चारों सवर्ण है, पांचवा कोई वर्ण नहीं है, ये महर्षि मनु कहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की जिन बातों को उद्धृत करके, जिन श्लोकों के प्रमाणों को उद्धृत करके मनु का विरोध किया, सनातन धर्म का विरोध किया, शोध करने के बाद पता चला वो जो प्रमाण उन्होंने लिए थे वो 80% प्रमाण, 88% जो प्रमाण थे वो झूठे थे, वो प्रक्षेपित प्रमाण थे, मिलावटी प्रमाण थे। शोध करने के बाद पता चला। अब आप बोलेंगे कि शायद ये झूठ बोल रहा होगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मनुस्मृति लेकर के आइए जितने प्रकाशनों की है, और फिर एक विशुद्ध मनुस्मृति भी लेकर के आइए, सबका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तब आपको पता चलेगा तटस्थ रूप से कि सच क्या है और झूठ क्या है, कहां मिलावट करने का प्रयास किया गया। तो मैं चाहूंगा कि जितने हमारे भाइयों ने, जितने नौजवानों ने आज यज्ञोपवीत संस्कार लिया है, आप जब यहाँ से यज्ञोपवीत संस्कार लेकर के जाएं तो एक संकल्प जरूर लेकर के जाएं कि आने वाले समय में ये एक एक व्यक्ति दो दो तीन तीन व्यक्तियों को रीच करे, उनके पास जाए, उनको खुद से जोड़े, और फिर हम उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार करें, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। सुबह बहन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई, रविदास जी के उस चरित्र को बताया, हम तो रविदास को बस एक दलित समाज का मान करके बैठ गए कि वो तो बस एक समाज के हैं, नहीं, रविदास जी हमारे हैं। आज सनातन धर्म के मंदिरों में, सनातन धर्म के संस्थानों में, सनातन धर्म के कार्यक्रमों में सब जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी होती है, सब जगह रविदास जी की फोटो लगी होती है, लेकिन उनके किसी कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो नहीं लगी होती, उनके किसी कार्यक्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की फोटो नहीं है, स्वामी दयानंद तो छोड़ दीजिए, विवेकानंद जी की भी फोटो नहीं है। तो भेद कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, सनातन धर्म ही नहीं कर रहा। सनातन के अंदर जिनके मन में जहर घोला जा रहा है वो भेद कर रहे हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज याद कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। तो आप सब स्वाध्याय करें, पुस्तकों का अध्ययन करें, अभी प्रधान जी ने आप सबके लिए पुस्तकों का भी व्यवस्था की है, जब जाएं यहाँ से तो उस पुस्तकों का स्वाध्याय जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण, इस पे हमने पहले भी जब डिबेट रखी थी तो तब भी चर्चा हुई थी, और मैं समझती हूँ, मैं बाद में उस पे दो शब्द बोल दूंगी, लेकिन आज जो विषय चल रहा है उस पे एक बार मैं अपने विचार जरूर रखना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत देर से हम वर्ण की बात सुन रहे थे, वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण क्या है? वर्ण जो शब्द है वो संस्कृत का है, और वर्ण जो बना है वो बना है व्रीय वर्ण धातु से, और उसका मतलब है जिसका वर्ण किया जा सके, जिसको चुना जा सके, उसको कहा जाता है वर्ण। इसका मतलब वर्ण वो है जिसको मैं चुन सकूं। मेरे को ब्राह्मण बनना है, मेरे को क्षत्रिय बनना है, मेरे को वैश्य बनना है, मेरे को शूद्र बनना है, ये मैं चयन करूंगी, ये आप चयन करेंगे, कोई दूसरा चयन नहीं कर सकता, ये बात स्मरण रखिए। कई बार हमको कह दिया जाता है जी आप तो ब्राह्मण है, आप तो क्षत्रिय हैं, आप तो वैश्य हैं, आप तो शूद्र हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? लोग कहेंगे मनुस्मृति में कहा गया जन्म न जातिवाद। कहीं नहीं कहा गया, मनुस्मृति में कहा गया जन्म न जायते शूद्र कर्मण द्विज उच्यते। जन्म से तो सब शूद्र हैं, लेकिन मेरे कर्म कैसे हैं वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या वर्ण में बनना है या किस वर्ण में जाना है। अगर मैं पढ़ने का कार्य कर रही हूं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रति गृहम चैव ब्रह्मणा नाम कल्पयत। मैंने 6 काम किए, पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना, दोनों काम करना है, यजन यज्ञ को करना और कराना। अगर ये 6 कर्म कोई भी व्यक्ति कर रहा है, और ये खूबसूरती केवल और केवल सनातन में, अन्य किसी मत संप्रदाय में नहीं है, ये स्मरण रखिएगा। आप अगर ये 6 कर्म कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर कोई शिक्षक है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो पढ़ाने का कार्य कर रहा है, हमको मतलब नहीं कि आपकी जाति क्या है।
अगर मैं रक्षा का कार्य कर रही हूं, हमारे फौजी भाई देश की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय है, क्षत्रियस्य परमो धर्मः प्रजानामेव पालनम्, क्षत्रिय का परम धर्म है प्रजा का पालन करना। कोई जातिवाद की बात है क्या, बताइए आप? अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, मैं देश की रक्षा कर रही हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। आगे कहा वैश्य कौन है, उन्होंने कहा जो कृषि कर रहा है, जो व्यापार करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत योगदान देता है वो वैश्य है। आप बताइए, चाहे आप किसी भी जाति के, कोई मतलब नहीं, आप मनुष्य हैं तो आप वैश्य बन सकते हैं। शूद्र किसको कहा गया? कोई बार हमको कहा जाता है नीचा, फलाना, ढिकाना। भाई मैं शूद्र हूं, बताओ, मुझे कहो, मुझे नहीं फील होगा मैं नीची हूं। क्या होता है नीचा? कोई नीचा नहीं होता, कोई व्यक्ति नीचा नहीं, जिसके कर्म खराब है वो नीचा है, कोई जाति कोई संप्रदाय नीचा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, शूद्र का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। बहुत सुंदर श्लोक मनुस्मृति में लिखा गया। हमारी समस्या यह है कि हम खुद नहीं पढ़ते, जो दूसरे ने पढ़ा दिया वही पढ़ लिया बस। क्या कहा गया, एक मेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, सेवा शुश्रूषा कीजिए। शूद्र उसको कहा गया, मेरे को मेरे पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया, मैंने पढ़ने लिखने का कार्य करा और मुझे समझ में आ गया मैं पढ़ने लिखने में अच्छी हो गई, तो मैं क्या बन गई जी, ब्राह्मण बन गई। मैं देश की रक्षा में चली गई तो क्या बन गई, क्षत्रिय बन गई। मैं जाकर के व्यापार करने लग गई, क्या बन गई, वैश्य बन गई। कई बार आप अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे पास भी आपके पास भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आता, उनको कुछ और काम करना अच्छा लगता है, तो उनको कहा बच्चे आप सेवा करो। सेवा का मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक बच्चे को माता पिता दुकान पे छोड़ देते हैं, तो दुकान पे बैठ भाई, सामान उठा के देना, ये करना, दुकानदार के साथ लगा रहे, और आप देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति अपनी दुकान खुद खोल लेता है, तो वो तो शूद्र से वैश्य बन गया, बन गया ना, परिवर्तित हो गया। तो वर्ण का मतलब है जिसका चयन किया जा सके। हमारे यहां किसी को नीचा नहीं कहा गया। मेरे सर का भाग है ब्राह्मण, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम करती हूं जी मैं। करते हैं कि नहीं करते, आप समझिए समाज में चारों का योगदान कैसे है। सर का भाग हम सबका क्या है, ब्राह्मण। हाथ क्या है, क्षत्रिय। ब्राह्मण के सर पे कोई डंडा मारने आ गया तो बचाएगा कौन, क्षत्रिय बचाएगा कि नहीं बचाएगा, या ब्राह्मण को कह देगा भाई तू पिट, मैं तो खड़ा हूं, सर पे ही तो डंडा बज रहा है, ब्राह्मण पिट रहा है, क्षत्रिय क्यों आएगा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण पिटा, कौन बचाने आ गया, क्षत्रिय। अब उस व्यक्ति ने देखा आपके पास तो बड़ी ताकत है, उसने कहा अच्छा मिल शाम को आज, डर कौन रहा है, वैश्य, पेट को लगेगा, अरे भाई शाम को क्या होगा, डर रहा है ना, किसी कारणवश पिटाई हो गई, आप गिर गए तो भागेगा कौन, शूद्र, पैर लेके भागेंगे ना। कहने का अभिप्राय है जैसे शरीर में, शूद्र का मतलब है द्रुगत धातु से बनाए, जो गति कर सके, दो तेज चल सके, उसको कहा गया। पैर भागते हैं ना तेज, अगर आप पैर हटा दो शरीर में से, क्या बचेगा आपके शरीर में, कितना ही सुंदर व्यक्ति हो पैर नहीं है तो अरे बेचारा कैसे हो जाएगी ना दृष्टि। कहने का अभिप्राय यह है जैसे शरीर में चारों वर्णों का महत्व है, उसी प्रकार समाज में चारों वर्णों का अपना अपना महत्व है। जैसे मेरे शरीर का कोई अंग नीचा ऊंचा नहीं है, उसी प्रकार समाज का कोई भी अंग नीचा ऊंचा नहीं है। एक पिता के पुत्र हैं सारे लोग, कह देते हैं ना, अरे आप ये बताओ, आप में से इन सब की शक्लें देखो, या मैं आपकी शक्ल देख के आपकी जाति बता दूंगी क्या, आप मेरी शक्ल देख के बता देंगे, फिर किसने बांटा। जब वेद कहता है, अभी आप भाई को सुन रहे थे, यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद लिखते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी प्रकार वेद का ज्ञान भी मनुष्य मात्र के लिए है, सबके लिए है। और क्या चाहिए, एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता है कि नहीं है, एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में,
कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। और अंतिम एक बात और कह के वाणी को विराम दूंगी। कई बार लोग कहेंगे जी हमको, मैं कई जातियों को देखती हूँ, ऐसा नहीं कोई एक ही जाति, अजी हमको टिकट नहीं मिला हम हिंदू रहने का क्या लाभ, हमको हमारी जाति का टिकट नहीं मिला हमको हिंदू रहने का क्या लाभ। सुना होगा आपने, आपको भी कई लोग चिढ़ाएंगे, मुझे भी चिढ़ाते हैं, बल्ली हिंदू क्या मिल गया हिंदू बन के। मैंने कहा अच्छा आज ही धर्म परिवर्तन करती हूँ क्या दिला दोगे। आप देखो समाज की विडंबना, सगे भाई से बोलचाल नहीं होती, होता है कि नहीं होता है, झूठ बोल रही हूं, सगे भाई से बोलचाल बंद है। सगे भाई का बेटा डीएम बन जाए तो अपने बच्चे को तल देते हैं हम, तल देते हैं कि नहीं तल देते हैं, लेकिन टिकट मेरी जाति वाले को ही मिलना चाहिए। इसका मतलब हमको बरगलाया जा रहा है, हमको भटकाया जा रहा है, जातिवाद के एजेंडे में हमको फंसा करके कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन आज आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कितना सुंदर दृश्य था। और संकल्प लीजिए आप सभी जितने लोग यहां विराजमान है, मेरी जाति का व्यक्ति अगर नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, उसके साथ तो मैं भोजन कर लूंगी, क्योंकि वो मेरी जाति का है। और सामने वाला चाहे पवित्र हो ना, भाई तू मेरी जाति का नहीं है, किसने डिसाइड किया? संकल्प लो, अगर मेरी जाति का व्यक्ति नशेड़ी है मुझे तेरे साथ नहीं बैठना। हम दोस्त बनाते हैं बचपन में, स्कूल जाते हैं दोस्त बनाते हैं, अच्छा पूछ के बनाते हो, क्यों भाई राहुल तेरी क्या दोस्ती है, तेरी क्या जाति है पूछते हैं, क्यों भाई मोहित तेरी क्या जाति है पूछते हैं, नहीं पूछते, निर्मल भाव से दोस्त बनाते हैं। तो जातिवाद का इसका मतलब ये जहर हमारे दिमाग में घोला जा रहा है बांटने के लिए। याद रखिए बटते रहे, इसीलिए सिमट करके छोटा सा देश बचा है। अफगानिस्तान आपका था, पाकिस्तान आपका था, बांग्लादेश आपका था, लेकिन हमको शर्म नहीं आती, हम फिर बट रहे हैं। हम सबको नहीं शर्म आती, हम तो हिंदुओं को छोड़ देंगे, चलो भाई छोड़ दो मैं भी छोड़ दूंगी, क्या मिलेगा मुझे, राम जी को मैं भी गाली देती हूं, राम जी को गाली देने से पहले मेरा जी नहीं दुखता, हमारा दर्द नहीं होता, हमको भाई के लिए पूरे राज्य को ठोकर मारने वाले मेरे राम, हम उनको कहते हैं कि वो लालची है, वो लोभी है, वो तो माता सीता को त्याग दिए। आप विचार करो, अगर मैं राम जी की पूजा करूंगी तो मेरे घर में बच्चा कैसा होगा, राम जैसा होगा कि नहीं होगा, जो अपने भाई के लिए जमीन के टुकड़े के लिए हत्या नहीं करेगा, पूरा राज्य को ठोकर मारेगा, ले भाई राज कर, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं रावण की पूजा करूंगी तो किसके जैसा होगा, रावण जैसा होगा कि नहीं होगा। तो एक बात आपको बताती हूं, महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो रामायण महर्षि वाल्मीकि को पहले किसने सुनाई थी, नारद जी ने। तो नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने एक बात पूछी, उन्होंने पूछा कौन वस्मि सांप्रतम लोके। आप देखो हम राम जी पे टिप्पणी करते हैं, बुरी टिप्पणी, हमारी औकात क्या है उनके सामने, आप विचार करो। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि आप बताओ कौन वस्मि सांप्रतम लोके, गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सत्य वाक्यो दृढ़व्रतः। उन्होंने कहा पूरे संसार में गांव नहीं का, शहर नहीं का, मोहल्ला नहीं का, विचार करना जब राम जी को मैं गाली दूं तो क्या मुझे कीड़े ना पड़े। उन्होंने पूछा इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो धर्मज्ञ है, जो कृतज्ञ है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, जो सत्यवादी है, मिथ्या भाषण नहीं करता, दृढ़व्रतः। दृढ़व्रता का मतलब होता है अगर कष्ट भी आ जाए, संकट भी आ जाए तो अपने संकल्प से इधर से उधर नहीं होते। कौन है ऐसा व्यक्ति? अनेक श्लोकों में पूछा, अनेक बातें पूछी, तो उन्होंने सार रूप में कहा, उन्होंने कहा सच सर्व गुणोपेतः, उन्होंने कहा वो सारे गुणों से संपन्न, वो दानी भी हैं, वो ज्ञानी भी हैं, वो प्रजा का पालन भी करते हैं, वो पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। कौन है? उन्होंने कहा सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः, वो कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। और कहा सच सर्व गुणोपेता कौसल्यानंदवर्धना, समुद्र इव गांभीर्य, समुद्र के समान गंभीर है, और धैर्य न हिमवान इव, धैर्य में वो हिमालय के समान है। उन रामजी पे टिप्पणी करने की हमारी औकात है? और उसके बाद भी हम करते। मैथिली शरण गुप्त ने कहा राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए ये तो सहज संभाव्य है। उन रामजी पे टिप्पणी करते हैं, उन राम जी पे जिनके लिए कहा गया एक हिंदी कवि ने
त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए। राजकुमार थे लेकिन वन में जीवन काटा, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहा था उस रावण को उसके घर में घुस के मारा। लोग कहते हैं ना जी हम तो हिंसावादी, हम नहीं उठाते हथियार। मैं कहती हूँ राम जी ने बताया अगर दुष्ट है मरो, इसको क्या बचा के करना है। राम जी ने ही तो सिखाया सबसे पहले, त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए, तीन पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, और घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता, प्यार अपना पन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि हम सभी को किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना, किसी भी कोई भी आए कोई भी लालच दे, अगर मैं लालच में धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ तो मेरे पूर्वजों ने तो चोटी नहीं कटवाई, जनेऊ गले से उतारा नहीं, 12 साल के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया गया। आपने सुना होगा बाल हकीकत राय का, उसने कहा खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। हम कितने पतित लोग हैं कि हम एकदम चोटी कटवा देते, कहाँ है हमारी चोटी जनेऊ। अपने स्वाभिमान को याद रखिए, क्योंकि जो जाति जो समाज जो राष्ट्र अपने स्वाभिमान को याद नहीं रखता वो मिट जाया करता है। तो किसी एजेंडे में ना फंसे। आप सभी ने आज यज्ञोपवीत संस्कार कराया तो इसके लिए सबने योगदान दिया, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ये कहूंगी कि जोरदार तालियां अमित भाई के लिए बजनी चाहिए कि उन्होंने ये संकल्प लिया इतने भाइयों को लेकर के आए। और देखिए ना मुझे उनकी जाति पता, ना मुझे जाननी, ना मुझे अमित भाई पता है उन्होंने इतने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। आपने आज कितना बड़ा कार्य किया है ये आप भी नहीं जानते। जब इतिहास लिखा जाएगा तब बताया जाएगा कि इतने लोगों को एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। और अगली बार जब ये तारीख आए तो जैसे सुन रहे थे ना हॉल में जगह नहीं बचे, आज आपको देख के लग रहा था अरे ऐसा ऋषियों का समय होता होगा, कितना सुंदर दृश्य लग रहा था, ऐसा दृश्य हमको पूरे हॉल में देखना है। और एक बार इस आर्य समाज के लिए, आर्य समाज के प्रधान जी के लिए, आप विचार करो क्या जाता है, आप कितने आर्य समाज है, कितने हमारे पास पौराणिक मंदिर है, लेकिन इतना बड़ा कार्य अकेला आर्य समाज कर रहा है, इतने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कराना। पहले तो क्या कहेंगे, अरे जी बड़ा कठिन है, क्यों इतना सिर में दर्दी कर रहे हो, और कर भी देंगे तो क्या, अरे जी जो कपड़े पहनने अपना पहन के बैठ जाओ, हो गया यज्ञोपवीत संस्कार। लेकिन किसी कार्य को कराना और उसके साथ पूरे मनोयोग से लग जाना, ये इस आर्य समाज की ताकत है, ये प्रधान जी की ताकत है। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी इनका अभिनंदन करेंगे कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए तो आज आप और हम एक परिवार हो गए कि नहीं हो गए। तो इसलिए अब हाथ, लोग सब कह रहे थे आप हमारा साथ दीजिए, नहीं नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे, आपको आगे चलना है। और अंकुर भैया मुझे पूछ रहे थे आप क्या लिख रही थी बाहर, तो मैं एक बात लिख रही थी, मुझे दिमाग से निकल न जाए, अच्छा स्मरण आया, जब अंकुर भैया को आपने गुरु बनाया, किसको बनाया सबने गुरु, अंकुर भैया थे, मोहित भाई थे, बनाया था है ना, आचार्य जी थे। तो आप बताओ एक अंकुर आ रही है, इतने लोगों के बस में नहीं आ रहे, आ नहीं रहे ना, इतने लोग डरे फिर रहे हैं, धमकी देते हैं, सामने तो नहीं आते। तो जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, तो आप तो पहलवान हो गए आज, तो आपको इस मजबूती से काम करना है। सनातन केवल मेरा नहीं है, या जो अच्छा मुझे भी तो लोग कहते होंगे आपको बाहर कर देंगे, अभी आप सशक्तिकरण की, आप तो यज्ञोपवीत पहनती है आपको बाहर कर देंगे, करो भाई आओ तो सही, जितना तुम्हारा सनातन है उतना मेरा है। जिस दिन मैं ये मान लूंगी मैं सनातन हूं, आप सभी सनातन है, आप सभी वैदिक धर्म है। अगर मैं कह दूं मैं तो वैदिक धर्म नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं तो जा रहा हूं छोड़ के आर्य समाज में, आपको ऐसा भी हो सकता है कोई बात अच्छी ना लगे तो आप क्या कहोगे, मैं नहीं जाने का, मेरा क्या काम वहां पे, उन्होंने तो बुरा करा है। लेकिन आपको आज मैं कहती हूं कि आप सनातन धर्म है, और एक एक सनातन धर्मी, एक महर्षि वाल्मीकि ऐसी रामायण लिख के गए हैं, सबको सब अनुवाद कर रहे हैं, तो इतना मजबूत बन के धर्म का कार्य करना है। एक अमित भाई इतने, तो आज तो हमारे इतने अमित भाई बैठे हैं, तो अगली बार एक एक व्यक्ति कम से कम 15 व्यक्तियों को जोड़ेगा समाज में, ये हम संकल्प करें, क्योंकि भारत माँ आपकी भी है हमारी भी है हम सब की है। अगर मिलके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। याद रखिए अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जिनकी कृपा से
आज मैं इतने आत्मविश्वास के साथ आपके सामने बोल पाई या कुछ भी कर पा रही हूँ। इतने लोगों के यज्ञ अभी संस्कार हो रहे थे, हम ब्रह्मा जी के बराबर में बैठे थे, तो ये अधिकार हमको आर्य समाज ऋषि दयानंद ने दिया है, तो उनके बारे में दो कृतज्ञता अर्पित करके पंक्ति कहूंगी कि घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण। आजकल ये मेरी प्रिय पंक्तियां मैं लगभग बोल रही हूँ। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण, संदेश सवेरे का लाई हम करते उसका अभिनंदन। जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, और जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में हम ऋषि दयानंद के सिपाहियां डट के मुकाबला करना है। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। महर्षि देव दयानंद की जय श्री राम। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ आकर जितना मुझे अपनापन लगता है वहाँ मुझे कहीं जाकर नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि मैं अपने परिवार में कहीं आई हूँ। और ये बात सच है कि मैं इन लोगों के साथ बैठने के इतने लायक नहीं हूँ, ये लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन ये लोग जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना उसको धक्का देकर आगे निकालने वाले लोग हैं, ये सच बात है बिल्कुल। तो मेरा शुरुआत भी वहीं से हुई थी ये सब कुछ जानने की, मेरे यज्ञोपवीत से ही। और जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था तभी मैं कॉन्ट्रो, और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं घबरा घबरा कर अपनी वीडियो भी डिलीट कर देती और यहाँ ये बातें भी नहीं कर रही होती। ये लोग थे इसीलिए मैं उसके ऊपर और अध्ययन कर पाई, पढ़ पाई, स्वाध्याय कर पाई और जान पाई, और आप लोगों के साथ यहाँ आज बैठी हुई। तो जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था तो जैसे अंकुर भाई ने बताया, ऐसा होता था पहले कि जो पुरुष लोग हैं वही छे के छे धागे वही पहन लेते हैं। तो वो किस लिए हुआ था वो अंकुर भाई ने बताया कैसे हुआ था। लेकिन जो यज्ञोपवीत है वो महिलाओं के लिए, मैं कल विदुषी गार्गी जी के बारे में पढ़ रही थी बहन, और मैं तो एक आयुषी दीदी को सुनती हूँ, मैं उसके बाद कुछ बोल नहीं पाती हूँ ये इतना अच्छा बोलती हैं। मैं विदुषी गार्गी जी के बारे में पढ़ रही थी, उनके बारे में मैं जान रही थी कि उन्होंने यज्ञोपवीत करके एक हमारे जो मिथिला, हमारा जनक जी का जो शहर है वहाँ से राजा जनक के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थी विदुषी गार्गी। आज कह तो देते हैं कि महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, आज महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वो नवरत्नों में से थी। तो कितने पहले की बात है ये, तो उन्होंने भी तो कुछ अध्ययन किया ही होगा ना, यज्ञोपवीत धारण किया था उन्होंने। और फिर ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान जिनको उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ऐसे याज्ञवल्क जी रहे जिनको उन्होंने चैलेंज किया। और आज जैसे स्पेस टाइम की हम बात करते हैं ना, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात करते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस टाइम पर माता गार्गी ने याज्ञवल्क जी से ये प्रश्न किया था टाइम स्पेस के बारे में। जब हम हमारी आयु, जब हम स्पेस में घूम रहे होते हैं और जब हम वापस धरती पर आते हैं तो हमारी आयु सेम रहती है। इस थ्योरी को समझने के लिए आइंस्टीन को बहुत समय लगा था। इस थ्योरी को जब आइंस्टीन समझ रहा था तो 90 के बराबर कुछ दिन लगे थे, और फिर वो ये चाहता था कि उसी थ्योरी को वो और साइंटिस्ट को बता सके और लोगों को बता सके, और वो उनको बता भी नहीं पा रहा था। और उसी थ्योरी को हमारी जो दादी नानी है, वो थोड़ी एक पौराणिक कथा है उसमें चुटकियों में बताती थी। कैसे बताती थी? वो बताती थी कि एक मुचुकुंद नाम के राजा रहे, वो मुचुकुंद नाम के राजा बहुत पराक्रमी राजा थे, वीर राजा थे और युद्ध कला अच्छी थी उनकी। तो इंद्रदेव आते हैं धरती पर और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, ऊपर असुरों की और देवताओं का युद्ध हो रहा है, मैं आपकी आवश्यकता है, कहानी है वैसे। तो जाते हैं मुचुकुंद राजा और वहाँ युद्ध करते हैं, एक वर्ष तक युद्ध चलता है, और फिर इंद्रदेव कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस धरती पर जाऊँगा। तो इंद्रदेव कहते हैं कि अब आपके जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अब अगर आप नीचे जाएंगे तो आपकी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं बहुत सारी, अब आपको एक समय हो लेकिन पता नहीं नीचे कितना समय गुजर चुका है। तो ये समझने के लिए जो आइंस्टीन को इतना समय लगा था, हम थोड़ी देर में समझ जाते थे। उसने कैसे बताया, फिर इसी स्टोरी से प्रेरित होकर उसने बताया कि यदि हम स्पेस में जाते हैं और 3-4 चक्कर लगाते हैं, 3-4 वर्ष में लगाते हैं, 9-10 वर्ष में लगाते हैं, और हम वापस धरती पर आते हैं वो चक्कर लगाकर, हमारी आयु उतनी रहेगी जितनी पहले थी। अब आप सोचिए, ये प्रश्न
ये प्रश्न तब विदुषी गार्गी जी ने करा था। ऐसी बहुत सारी हमारी महिलाएं रही, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेय, जिन्होंने यज्ञोपवीत करके वेद की ज्योति को दैदिव्य मान रखा। सच में मैं मुझे एक खुशी होती है कि आज महिलाओं को इस हमारी समाज की विकृत के कारण दुर्बलता, निर्बलता, कोमलता का पर्याय समझ लिया जाता है। लेकिन ये समाज भूल जाता है कि नारी इतिहास से ही विद्या में भी अग्रणी रही है और वीरता में भी अव्वल रही है। ऐसी माताएं के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। और आज के माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप एक बात बताइए, यदि माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है तो फिर माता अपने परिवार में संस्कार कैसे देंगी? सबसे ज्यादा जरूरी तो माताओं का ही पढ़ना है। और हमारे भाई गौतम कट्टर जी और अंकुर आर्य जी इस थीम पर लगे हुए हैं कि गुरुकुल की शिक्षा है उसको आगे बढ़ाएं। उस गुरु बहन ने गुरुकुल खोला है, इतना अच्छा लग रहा है ये बात सुनकर कि मैं ये बात मानती हूँ कि यदि माताएं गुरुकुल से निकलेंगी तो फिर बच्चों का निर्माण कैसे होगा? मतलब बहुत दूर की बात है, लेकिन आज छोटी छोटी बच्चियां अगर गुरुकुल जाएं और गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करें और फिर वही बच्चियां अपने जब विवाह करके अगले घर में जाएं तो संस्कार अपने बच्चों को कैसे देंगे? या आप विचार कीजिए। आज कह देते कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो संस्कार कैसे आएंगे? आज महिलाओं को पढ़ने की आवश्यकता है कि इतिहास कैसा रहा था, हमारी वीर वीरांगनाएं कैसी रही थी, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो घर की बेटियों को कुछ नहीं सिखा पाएंगी। महिलाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, फिर अपने घर की बहन बेटियों को सिखाने की आवश्यकता है ताकि फिर वो किसी अब्दुल के चंगुल में ना आए और फिर फ्रिज में कटी हुई रखी ना जाए। ये बहुत आवश्यकता है। आज बहुत सारी बातें तो सबने समझाई दी थी यज्ञोपवीत के बारे में, तो यज्ञोपवीत के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रधान जी हैं ये भी, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार यहाँ पे बहनों का यज्ञोपवीत हो और मैं ये प्रयास करूँगी। मैं अपनी तरफ से बहनें लाऊंगी, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन ये बहुत आवश्यकता है कि बहनों का भी हो। क्योंकि मैंने तो संभाल लिया था अपने आप को, अगर एक साथ बहुत सारी बहनें होंगी तो कुछ तो संदेश जाएगा ही ना इस समाज में, कुछ तो संदेश जाएगा कि होता होगा। और हमें क्या है ना कि हम वीडियो देख लेते हैं, पहले मानना शुरू कर लेते हैं, जानना नहीं शुरू करते हैं। अगर हमने कोई वीडियो देखी, कोई क्लिप देखी, कुछ भी करा, मेरी वीडियो वायरल हुई, उस पर इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए, इतने थ्रेड कॉल्स आने लगे कि तुम पता नहीं क्या कर रही हो, तुम धर्म को खराब कर रही हो, समाज को खराब कर रही हो, संस्कृति को खराब कर रही हो, तुम्हें जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बातें बोलने लग गए। बस वीडियो देखी और मान लिया, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर ऐसी वीडियो बना दी कि महिलाओं का यज्ञोपवीत लेने का कोई अधिकार नहीं है, वेद मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये वीडियो देखकर उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी थी। आप उस वीडियो को देखकर ये समझते कि यदि इस महिला ने यज्ञोपवीत लिया है तो हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि यज्ञोपवीत लेने का अधिकार है या नहीं है। आपने प्रयास नहीं कर, आपने किसी की वीडियो देखी और मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि अगली बार यहां महिलाओं का यज्ञोपवीत हो, मैं ऐसा निवेदन करती हूं कि मैं अपनी तरफ से महिलाओं को, नारियों को लेकर आऊंगी, महिलाओं को, बेटियों को लेकर आऊंगी, बहनों को लेकर आऊंगी, ये मैं जरूर प्रयास करूंगी। और ये बहुत आवश्यकता है कि यदि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यदि आप कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे अधूरा सच है हमें, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए और उसके ऊपर रिसर्च करिए, सर्च करिए और फिर किसी को गालियां देना शुरू करिए। मुझे बहुत गालियां मिली थी और मैं घबरा भी गई थी, मैंने सोचा था कि वीडियो डिलीट कर देती हूं, मैंने ये वीडियो डाल दी है तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर देती हूं। लेकिन गौतम खट्टर जी थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, आचार्य प्रशांत जी थे, उन्होंने बहुत समझाया, तब जाके समझ पढ़ा, देखा, समझा और इसीलिए मैं ये सब बोल पा रही हूं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, सादर प्रणाम। अपने घरों से कीमती समय निकालकर आई हुई मातृशक्ति का मैं यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। और जिन बालकों ने ये यज्ञोपवीत संस्कार लेने का निर्णय किया है, इसे धारण करने का निर्णय किया है, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद और भावी जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को प्रदान करना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया है। तो जैसा कि अभी जो विषय रखा गया, वो जो प्रश्न रखा गया, वो प्रश्न यह था कि हम लोग जो हैं, जो भारत था पूर्व में जैसा भारत था, हम कहीं ना कहीं उससे टूट चुके हैं। जो विश्व गुरु शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया जाता था वो कहीं ना कहीं छूट गया है, हट गया है। तो एक शब्द महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने हमें दिया था, उस शब्द में ही सारी व्याख्या छिपी हुई है।
उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। अगर हम अपनी प्राचीन पूर्व संस्कृति पर गर्व करेंगे, यदि हम अपनी पूर्व प्राचीन संस्कृति को अपने आचरण में उतार लेंगे, उसे जीना शुरू कर देंगे, तो हम अपनी पुनः उन्हीं सभी चीज़ों को ला करके स्थापित कर देंगे। ये जो संस्कार आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है ना, ये संस्कार एक तरह से भूमि में बीज बोने का कार्य करते हैं। जब गर्भ धारण करते हैं एक संस्कार वो करते हैं, धीरे धीरे संस्कार होते होते 10वें 11वें संस्कार के रूप में संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार, और दूसरा संस्कार होता है आपका वेदारंभ संस्कार, अर्थात विद्या का आरंभ रूपी संस्कार। उसमें आयु भी है कि इस आयु के बालक का हो, वो बहुत बड़ा विधान है, विस्तार है, शास्त्रों में उसकी गहन चर्चा की गई है। तो यदि हम अपने प्राचीन जो संस्कृति थी, जो जीवन था, जो आचरण था, जो नियम था, यदि हम उसको जीते हैं, तो क्रमशः यहाँ पर बैठे आचार्यों ने जो जो बातें कही हैं वो सभी बातें सत्य हो सकती हैं। जैसे कहा गया, बहन जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को जो उलझा के रख दिया है, उससे हमारे अंदर जो हीन भावना डाल दी गई है, यदि आप उसका वास्तविक स्वरूप समझेंगे, तब हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होगा, अपने जीवन पर गर्व होगा। फिर हम किसी विदेश में अकेले भी हों, तब भी हम वहां पर अपने तीज त्योहार मना रहे होंगे। जब हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं तो विदेशों में भी बैठकर छठ पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आपको गर्व ही नहीं है और आप एक आज का आधुनिक कल्चर है, विदेशी कल्चर है, उसमें लगे हुए हैं, तो भारत में रह करके भी आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उसमें रह करके भी आप अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकते। और ये जो नौकरी वाला अभी भैया कह रहे थे, ये नौकरी जो कर रहे हैं, जो नौकर बन रहे हैं, ये भी तो सेवा कर रहे हैं ना, सेवा करने वाले को शूद्र कह रहे हैं ना। हमारा जो जीवन है आज के समय में नौकरी के लिए भाग रहा है, मतलब या विद्या से नियुक्त, ये हम बस थोड़ा जितना भी पढ़ना चाहते हैं, अक्षर ज्ञान जो भी लेना चाहते हैं, किसी तरह ये चाहते हैं नौकरी लग जाए। चाहे किसी भी दिशा में पढ़ाई चल रही हो, हमें ये लगता रहता है मैं किसी तरह से कमा लूं। और महिलाओं के साथ भी यही समस्या होती है, वो ये सोचती हैं, बालिकाएं बेटियां ये सोचती हैं, मैं पढ़ लिख करके कमा करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। दो विकल्प है, एक तो ये आप शिक्षित होकर के प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना कोई भी नौकरी का कार्य करती हैं, या आप छोटा मोटा कार्य करती हैं, जैसे बहुत सारे सलून वगैरह, सिलाई इत्यादि, बुटीक वगैरह का काम करना। तो महिलाएं जो नौकरी की तरफ जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ी जो हानि हमें हो रही है वो ये हो रही है कि वो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को ना समय दे पाती हैं और ना संस्कार दे पाती हैं। किसी भूमि को जब तैयार किया जाता है, अच्छे से जोता जाता है, उसे पानी दिया जाता है, उसकी भूमि को मुलायम करके उसमें बीज की स्थापना की जाती है, तब हमें ये नहीं पता होता कि ये बीज बड़ा होकर के कितना वृक्ष रूप धारण करेगा, कितना बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आज आप लोगों ने ये जो पवित्र धारण किया है, अपने मन में ये संकल्प लिया है कि हाँ भविष्य में जो भी कार्य होगा हमसे, हम वो कार्य करेंगे। लेकिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, जो कार्य की जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी कि आपको एक माँ बनना है, अपने बच्चे के अंदर धर्म की स्थापना करनी है, अपने बच्चे को संस्कारी बनाना है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं से छूटता जा रहा है। और उसमें ये जो मनुष्य के चार उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें हम एक पर ही टिक कर रह गए हैं। धर्म क्या है, जो हम पूजा पाठ करते हैं आपके अनुसार वो धर्म है। काम क्या है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए आपके अनुसार वो काम है। अर्थ क्या है, मैं किसी भी माध्यम से, साम दाम दंड भेद, किन्हीं भी नीतियों के माध्यम से बस मैं पैसा रूपी जो धन है उसे कमा लूं। और मोक्ष की चौथी जो सीढ़ी है उस पर तो हम लोग जाते ही नहीं है। लेकिन आज ये जो चार पुरुषार्थ हैं उनके विषय में मैं आपको एक बात बताती हूं। ये जो आपने संस्कार किया है, इसकी सारी विधियां आपकी विधि विधान से हुई हैं। इन विधियों के बाद महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में ये कहा है कि आचार्य अब अपने शिष्य को उपदेश करेगा। तो उपदेश के लिए हम लोग, शुभाशीषों के लिए हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आचार्य वहां पर उपनिषदों से उपदेश निकाल कर आते हैं और वहां पर कहते हैं, सबसे पहला जो उपदेश है, सत्यम वद, आप अपने जीवन में दृढ़ता के साथ सत्य को धारण करिए। जब हम दृढ़ता के साथ अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं, तब हम बहुत सारे लोगों से अलग हो जाते हैं, अलग ही दिखाई देते हैं। आचार्य उपदेश देते हुए कहता है धर्मम चरम। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में जो धर्म है वो धर्म क्या है, धारणा धर्म इत्याहु, ध्रिय धारणे,
अर्थात जिसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जिसे धारण करना अर्थात अपनी आत्मा में, अपने आचरण में धारण करना। जब हम धर्म को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में धारण करेंगे कि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मैंने यज्ञ करने की जो मुझे अनुमति मिली है मैं अपने जीवन में भी इसको धारण करूं, मैं अपनी जो दिनचर्या है वो उसी प्रकार बनाऊं, मैं अपना स्वाध्याय है वो उसी प्रकार बनाऊं। तो धर्म क्या है जिसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं, और उसी धारणा को देख करके जब हमारा परिवार हमसे प्रभावित होता है तो परिवार का वातावरण भी उसी प्रकार का होता है। परिवार के वातावरण की बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमारे परिवार में भी हमारे छोटे बच्चे हैं। मैं भैया को कई बार फोन करती हूं तो भैया उठा नहीं पाते। एक दिन फोन किया तो कहा बहन जी उठा नहीं पाया, फोन एक कमरे में बंद था। तो मैंने कहा कमरे में क्यों बंद था, तो कहते हैं जो मेरा बेटा है गुरुदत्त हम उससे फोन दूर रखते हैं, बस आवश्यकता पड़ने पर कमरे में जाते हैं, काम खत्म करते हैं, फोन छोड़ के बाहर आ जाते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त, अभी सोशल मीडिया रूपी जो बीमारी बताई, फोन रूपी बीमारी से ग्रस्त युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, सभी लोग इससे ग्रस्त हैं। हम अगर 8 घंटे फोन चलाते हैं तो 3-3.5 घंटे ही आप काम करते होंगे, अन्यथा अतिरिक्त जो चीजें हैं उनमें हम अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जब इतने बड़े लोग जिनका जीवन ही इस माध्यम से चल रहा है, जिनका जीवन का उद्देश्य ही है कि आपको आपके घरों में पहुंचकर सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा जो हमारी संस्कृति है उसको पहुंचा सके, वो अपने बच्चों को उस फोन से सुरक्षित रखने के लिए कमरे में बंद करते हैं। तो हम तो अपने जीवन में छोटी छोटी ऐसे आचरण ला ही सकते हैं जिन आचरणों से हमारे बच्चों का निर्माण हो सके। तो आचार्य उपदेश देता हुआ कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम। अर्थात इसमें एक शब्द आया है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य होता है मैं अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का अभ्यास कभी भी ना छोड़ूं। अच्छी पुस्तकों का क्या तात्पर्य है, कहने का क्या तात्पर्य है, प्रधान जी से बात चल रही थी तो ये संस्कार जो है ये बहुत पीछे से प्लान चल रहा है, यहां तक आप लोगों को लाने के लिए इन लोगों की बहुत बड़ी तपस्या है। जब हम 300, 400, 500 लोगों को कहते हैं तब जाकर के 100-150 लोग एकत्रित होते हैं। इन्होंने कितने परिवारों के साथ परिश्रम किया होगा तब आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम का मतलब है अच्छी पुस्तकें। तो कौन सी अच्छी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, आजकल बच्चों के सामने ही बहुत बड़ी समस्या है। या हमारे परिवारों में हमें ये लगता है थोड़ा सा धन आ जाए हम इस तरह का इंटीरियर ले आए, हम इस तरह की व्यवस्था ले आए, इस तरह का डिजाइन चेंज कर ले, लेकिन हम अपने घर के एक छोटे से कोने में बार बनाते समय ये नहीं सोचते हैं एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए, एक पुस्तकालय के लिए एक अलमारी रखें, एक बक्सा रखें, एक मेज ही रख ले। तो अच्छी पुस्तकें क्या हैं, व्यवहार भानु। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें व्यवहार भानु बताइए। व्यवहार जो हमारा आचरण होता है, भानु सूर्य हमारे बच्चों का जो व्यवहार है, उस पुस्तक को कहानियों को पढ़ पढ़ के आचरण में आए। एक पुस्तक है धर्म के छोटे छोटे शब्दों की परिभाषाओं को समझने के लिए, आर्य उद्देश्य रत्नमाला, उसमें 100-101 के लगभग शब्द हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसमें क्या जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सब चीजों की व्याख्या दी हुई है ताकि हमें ये पता चल सके जितना जीवन मेरा जीना मेरा आवश्यक है, यदि मुझे धर्म के लिए मरना भी पड़ जाए वो मृत्यु भी मेरे लिए आवश्यक है, मैं मर कर भी अमर हो जाऊं ऐसा स्वाध्याय हो, ऐसी पुस्तकें पढ़े। महर्षि दयानंद द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, गो करुणा निधि पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, और भी मान लीजिए वैदिक परंपरा से चले आ रहे चारों वेद, उपवेद, उपनिषद, इतनी बड़ी 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 पुस्तकें हम नहीं पढ़ सकते। हम रामायण तो पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी भाग तो पढ़ सकते हैं, महाभारत तो पढ़ सकते हैं, गीता तो पढ़ सकते हैं, उनकी सरल व्याख्या तो हम पढ़ सकते हैं। मैं वीडियोस देखने के लिए नहीं कह रही हूं कि आप वीडियो चलाएं उनको सुने, मैं पुस्तकें पढ़ने के लिए कह रही हूं। पुस्तकें स्वयं में गुरु होती हैं। यहां बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो इस बात का दावा करते हैं मैंने स्वयं पुस्तकें पढ़ के अपना निर्माण किया है। जो अपना निर्माण स्वयं अध्ययन करके कर सकते हैं, स्वाध्यायो अध्येतव्य, उसमें दूसरा अर्थ है स्व और अध्ययन, अपना भी अध्ययन करना चाहिए। मैं क्या हूं, मैं क्या था, मेरे परिवार वाले क्या थे, मैं क्या बन सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। रामायण की ही बात चल रही है तो महर्षि वाल्मीकि जी क्या थे, महर्षि बनने से पहले क्या थे, एक डाकू थे,
ऐसी कहानी आती है, तो बिल्कुल अलग आचरण जीने वाला व्यक्ति जब एक ऋषित्व को धारण कर सकता है, तो हम सामान्य से परिवार में जन्म लिए हुए, हमारे पिता किसान, हमारी माता गृहिणी, हम सामान्य से परिवार में जन्म लेने के बाद अगर समाज में कुछ करने का निर्णय ले सकते हैं, तो आप लोग तो इस देश को बदलने के लिए कितने बड़े कार्य कर सकते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूं कि दो तरीके हो सकते हैं इन चीजों को, इन नियमों को बदलने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप स्वयं में सूर्य हो, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं, आप आगे चलिए, कार्य ऐसे करना है, इस दिशा में करना है, इस तरीके से करना है, इन लोगों के बीच में करना है, इन व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए करना है, या तो आप इस तरह से करिए कि लोग आपके पीछे चले, या फिर आप उन लोगों को ढूंढिए जो समाज में कार्य कर रहे हैं, जो समाज में तन से मन से धन से लग करके कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। इतनी भी क्षमता नहीं है, उनसे कहिए कि हम आपके पीछे हैं, आप आगे चलिए, हम आपकी सुरक्षा में किसी भी तरह से, जो भी मेरे पास है, उस शक्ति से, उस सामर्थ्य से, उस बल से लगे रहिए। क्योंकि जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तो एक मंत्र का पाठ हुआ था, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजम पुरस्तात आयुष्यम अग्र्यम। क्या कहा इस मंत्र में, क्या कहा जा रहा है, आयुष्यम। अब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, जिसने इन तीनों ऋणों को समझ लिया है, उसका आयुष्य स्वयं बढ़ जाएगा, उसकी आयु कभी कम नहीं हो सकती। बलम, उसका जो सामर्थ्य है, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में, एक समूह में रह करके किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं, तो वो कारवां खुद ही बढ़ता जाता है। कोई भी व्यक्ति अकेला ही निकलता है किसी भी परिवर्तन को करने के लिए, लेकिन उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो प्रजापतेर यत सहजम पुरस्तात, प्रजापति के द्वारा आपको जो प्राचीन काल से चली आ रही क्षमताएं हैं, वो इस यज्ञोपवीत, इस चिन्ह, इस प्रतीक के रूप में धारण करवाई जा रही हैं। जो लोग अपना यज्ञोपवीत नहीं कभी उन्होंने उतारा और कहा हमारा सर उतार दीजिए, उन मुगलों के शासन में हमने देखा है कुंटलों कुंटलों यज्ञोपवीत एक दिन में कटके उनके सेनापति ले जाया करते थे, और हम थोड़ी देर में कुछ होता है उसको उतार करके टांग के रख देते हैं। तो एक ही उपाय है, वेदों की ओर लौटो, एक ही तरीका है अपनी संस्कृति पर गर्व करो, एक ही तरीका है अपनी संस्कृति को अपने आचरण में ले आओ, एक ही तरीका है कि कोई भी हमारी संस्कृति पर प्रश्न करे, उन ग्रंथों को, उन पुस्तकों को, उनका अध्ययन करके गर्व इस बात का करे कि हमारी पुस्तकों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों में कोई भी ऐसी हीन भावना नहीं थी। आप बताइए, गुरुकुल में पढ़ने वाला एक ब्रह्मचारी जो सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के साथ पढ़ रहा था, जब उसने अध्ययन किया, तो वो भगवान श्री कृष्ण क्या थे, अध्ययन अध्यापन करने के बाद क्या बने, ब्राह्मण बने। जब उन्होंने युद्ध की नीतियों का निर्णय किया, बड़े बड़े युद्ध किए, जब वो राजा बने, तब वो क्या थे, क्षत्रिय थे। जब उनके मित्र सुदामा जरा से चावल लेकर के उनसे मिलने आए और भाग के दौड़ के जाते हैं, उनके पैर धुल देते हैं, तो क्या वो शूद्र हो जाएंगे, तो क्या वो शूद्र हो गए किसी के पैर धुलने से या पैर धुल करके सेवा करने से, बिल्कुल भी नहीं। जो विद्या आप ग्रहण करेंगे, जो शिक्षा आप ग्रहण करेंगे, जो ज्ञान आप अपने अंदर भरेंगे, उसी से आप एक सूर्य की तरह चमकते हुए चले जाएंगे। और सूर्य की तरह चमकने का कार्य इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हैं जो चारों दिशाओं से इसीलिए लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरह विनाश कर दिया जाए इस संस्कृति का, इस सभ्यता का, इस जीवन को जीने वाले लोगों का। तो एक एक व्यक्ति यदि सूर्य बन के कार्य करेगा, एक एक व्यक्ति अगर अपनी पूरी क्षमता को झोंक करके कार्य करेगा, गर्व के साथ कार्य करेगा, तो इस संस्कृति पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। हमें अपने ऊपर जब गर्व होता है, जब हम उस संस्कृति को जीते हैं, तब हमें लगता है हम सबसे अलग हैं। जैसे हम प्रायः देखते हैं दक्षिण में, आप देखते हैं ना, शादियां अलग तरह से होती हैं, सुबह 4 बजे होती हैं, और महिलाएं सर पे भी चुन्नी उन्नी नहीं रखती, सिल्क पहनती है, मर्यादित एक वेशभूषा धारण करती हैं, और वहां के बच्चे छोटे छोटे परिवारों में वेद याद करते हैं, फिर बड़े होकर साइंटिस्ट बन जाते हैं। वहां के परिवारों में बड़ी मर्यादाओं से चीजें होती हैं। लेकिन आप ये याद रखिए, जब सारे बाह्य आक्रांताओं के आक्रमण हमने अपनी छाती पर, उत्तर ने अपनी छाती पर झेले हैं, तब दक्षिण अपनी संस्कृति को मनाने के लिए जीवित बचा है।
दक्षिण आदि इसीलिए अपने संस्कारों को अच्छे से मना पा रहा है क्योंकि हमने वहां तक बाह्य आक्रांताओं को जाने ही नहीं दिया। तो ये बात सच है कि हम ये भूल गए उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन परिधान रहा होगा वो क्या रहा होगा, यहाँ के तीज त्योहार कैसे रहे होंगे, यहाँ के गीत संस्कृति कैसे रही होगी। वो कहीं ना कहीं उन आक्रांताओं के चलते हमारी महिलाएं भी दब गई, संस्कार भी दब गए, तौर तरीके भी दब गए, रहन सहन भी हमारा वैसा हो गया। लेकिन इस बात पर केवल इस बात पर अगर आप गर्व करें कि हमने आधा भारत गुजरात की संस्कृति बचा ली, महाराष्ट्र की बचा ली, दक्षिण पूरा बचा लिया, सारे आघातों को अपने ऊपर झेला, तो हमारे पास इस बात का गर्व करने का गर्व है कि हम कृत्रिम महापुरुषों को ना पूजे। हमारे यहाँ कृत्रिम जितने भी महापुरुष विदेशों में पूजे जाते हैं मूवीज इत्यादि के माध्यम से, जो भी ये मैन वो बैट्समैन आदि आदि जितने भी मैंस हैं उन्हें ना पूज करके जो हमारे देवता हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, हमें उन्हें पूजना है। चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो प्रताप हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो जीवित और साक्षात हमारे मतलब माननीय महापुरुष हैं। हमें कृत्रिम महापुरुषों को पूजने की आवश्यकता नहीं है, कृत्रिम राजा रानी की कहानियां सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जीवित कहानियां हैं और उन कहानियों पर गर्व करके हम ये कह सकते हैं कि हमें जो उन लोगों ने दिया है अब हम उसे सुरक्षित करके बचा करके ले जाएंगे। नहीं तो कोई पंजाब मांग रहा है, कोई हैदराबाद मांग रहा है, इसी तरह से सब अलग 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 करके ये दावा दिखाया जा रहा है। ये अलग अलग द्वीपों का समूह था, ये देश जैसा कुछ भी नहीं था। तो थोड़ी चीजों को अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रखें, गर्व करें, पुरानी संस्कृति की ओर लौटें। यदि ऐसा अभ्यास हम करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को बचा पाएंगे। विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप लोग बहुत बड़े कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार समाज में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।